हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। तो आज हम लोग एक क्लैन वॉर खेल रहे हैं जो कि बेसिकली डार्क फ्रीक वर्सेस ट्रोजन के बीच में है। तो डार्क फ्रीक के चार मेंबर्स युगानमस, झंटू और शांखो है मेरे साथ, और ट्रोजन के हैं टॉरपीडो, स्किजो, नूब और अमन जो कि हमारे अगेंस्ट में है। तो हम लोग सबको बूट कैंप उतर कर यहीं फाइट करना है, जो कि बेसिकली एक क्लैन वॉर का रूल होता है। सो लेट्स सी हु विंस। तो यहाँ बेसिकली हम ये सोच रहे थे कि हम लोग पहले उस टीम को देखते हैं कि वो लोग कहाँ उतर रहे हैं, बट जैसे हमने देखा कि वो लोग स्लो हो चुके हैं, तो हमने क्विकली सोचा कि जस्ट लेट अस कैप्चर द मेन बिल्डिंग। तो यहाँ हमने लूट करना शुरू कर दिया है, मतलब हमने ढेर सारी लूट करी है बस चार लोगों को मारने के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग कितना ज़्यादा लूट कर रहे हैं फिलहाल। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये क्लैन वॉर जो है, इसमें टोटल 5 मैचेस हम खेलेंगे, जिसमें से 3 TPP और 2 FPP मैचेस होंगे, और जो टीम मैक्सिमम चिकन डिनर्स ले सकती है वही विनर होगी। सो लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है। तो अब हम लोगों ने पूरे बूट कैंप में ढूंढ रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो इतने में मेरे टीममेट ने मार्क किया कि वो लोग इस बिल्डिंग में हैं। मैंने अपने बाकी के टीममेट्स को ये बता दिया कि हाँ, वो कंफर्म वो लोग इसी बिल्डिंग में हैं। और अब मैं यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर घुसकर टिप भी ले रहा था, तो इतने में मेरे को नीचे से आवाज़ आई कि कोई नीचे दौड़ रहा है। तो मैंने क्विकली देखा तो मुझे वो टॉरपीडो नज़र आया, तो मैंने उसे क्विकली फिनिश किया। और यहाँ आते आते मेरे और मेको अमन ने यहाँ फिनिश कर दिया। फ्रेंड्स, सैड लाइफ हो गया मेरे साथ, क्योंकि मेरी गोली सिर्फ स्टेयर्स पे लग रही थी, वो ऊपर था, तो उससे काफ़ी एडवांटेज था इस चीज़ का, और फ्रेंड्स मेरे साथ सैड लाइफ हो गया है। तो अब हम देखेंगे झंटू का जो क्लच करा इसने, गॉड लेवल क्लच गाइज। तो सेकेंड मैच FPP है फ्रेंड्स, और FPP मतलब आपको तो पता ही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है TPP से खेलना, क्योंकि हम लोग यूज टू है बहुत ज़्यादा TPP से। एंड सो लेट्स सी कि हम लोग ये गेम जीत पाते हैं या नहीं, या स्कोर्स 1-1 होते हैं या फिर 2-0 होते हैं, लेट्स सी।
तो यहाँ मैं कौन चारों के फुटस्टेप्स आ गए थे, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि लेट्स फॉल बैक एंड कॉल द रेस्ट ऑफ आवर टीममेट्स एंड देन वी विल अटैक टुगेदर एट देम। सो मैं यहाँ पीछे भाग ही रहा था कि यहाँ पे मेरे को एक दो गोलियाँ पड़ी मेरे को, एंड मैं सेफ हूँ, बट आई ट्राई टू नॉक वन डाउन, बट यहाँ पे किसी और ने मेरे पे अटैक कर दिया। फिर से ट्रोजन अपन ने मेरे को नॉक कर दिया है इस बार ही वापस से, और मैं रेंगता फिर रहा हूँ, वापस सैड लाइफ हो गया फ्रेंड सेकंड मैच में भी। और यहाँ मेरे को क्विकली रन मिलता हुआ, तो यहाँ अपने आप को हील करने के बाद मैंने सोचा जस्ट टेक अ शॉटगन एंड पुश, क्योंकि मेरे एक टीममेट ने उसके एक टीममेट को फुल फिनिश कर दिया था, तो 4-3 का सिचुएशन है। सो आई टुक अ शॉटगन एंड पुश टू देम, और यहाँ जो तीन लोगों के बीच में मैं घुस कर उसमें से एक को हिट करके जो मैं रिटर्न आया हूँ वो भी एक एच पी भी नहीं, और यहाँ पर मैंने क्विकली टॉरपीडो को नॉक कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही मैं कवर ले रहा था मेरे पीछे से एक शॉट पड़ा मेरे को S12K का, और मैं कम्प्लीटली नॉक हो चुका हूँ। इस गेम में दूसरी बार मैं नॉक हुआ हूँ, और फिर से सैड लाइफ हो गया फ्रेंड्स। दूसरी बारी मैं रेंगता फिर रहा हूँ, अपने टीममेट्स को बुला रहा हूँ मेरे पास, और हमारे होशियार युगाना मिस सर भी आएंगे और मेरे को देखेंगे और वापस रूम के अंदर चले जाएंगे, पता नहीं क्यों। मतलब ये भी चाहते थे कि नहीं मैं मर जाऊँ, और यहाँ स्कीजो मेरे को कम्प्लीटली फिनिश करते हुए, मतलब ऑब्वियसली वो तो करेगा ही, एंड लेट्स सी वी कैन विन दिस मैच। और स्कीजो ने यहाँ पुश कर दिया है, बट दे मैनेज टू टेक हिम डाउन, और हम लोग ये सेकंड मैच भी जीत चुके हैं। स्कोर हो चुका है 2-0, और अब ये थर्ड राउंड, सो लेट्स सी हु इज़ गोना विन दिस थर्ड राउंड। सो यहाँ मेरे को स्कीजो स्टेयर्स के ऊपर से भागता हुआ दिखा, तो आई जस्ट फायर्ड फ्यू बुलेट्स एट हिम, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो भाग गया वापस। तो यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ टीम का, और यहाँ मेरे को टॉरपीडो दिखा तो मैंने उसे क्विकली फिनिश कर दिया, बट मेरे को क्या पता था कि बगल में नूब खड़ा है और उसने मेरे को शॉट डाउन कर दिया है। फिर से सैड लाइफ हो गया फ्रेंड्स, हर गेम में एक बार तो सैड लाइफ हो ही रहा है, मतलब काफ़ी बेकार दिन। और यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बुलाया कि मेरे को कवर दो, पर नूब का जो अटैक था कम्प्लीटली, उसने जो क्लच करा है 1-3 ओपी क्लच गाइस, और हमारी टीम इसमें हार चुकी है, तो स्कोर्स हो चुके हैं 2-1। तो गाइज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, एम करता है इस बारी 5 likes का। सो लेट्स बिगिन विद द 4th राउंड, और मतलब मैं इस गेम में ये पार्ट कट कर सकता था, बट मैंने नहीं कट किया क्योंकि मेरे को अपने इंस्टाग्राम का भी प्रमोशन करना था। सो अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो यू कैन फॉलो मी एट frenzygaming99, और चाहिए वहाँ फॉलो करिए, वहाँ पे मैं अपने अमेजिंग क्लचेस, अमेजिंग रिजल्ट्स डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी एट frenzy_gaming99, एंड लेट्स बिगिन विद द 4th राउंड, दैट इज़ TPP। Thank you.
तो इस बारी मैंने सोचा कि मैं अपने साथ यूजी और यूएमपी नहीं रखूँगा, और यहाँ मेरे को दिख गया था टॉर्पीडो टीपीपी लेते हुए, तो हमने उसे क्विकली फिनिश कर दिया टॉर्पीडो को। तो अब 4v3 का वापस सिचुएशन क्रिएट हो गया और हमें आवाज़ आ गई थी कि बाकी तीनों लोग ऊपर टेरिस पे है। सो मैं भी यहाँ पर टीपीपी ले रहा था एंड मैंने सोचा मेरे पास यूजी है तो मैं क्विकली जाके इसको नॉक करके आता हूँ। जैसे ही मैंने अमन को नॉक किया, स्कीजो ने पीछे से अटैक करके मेरे को वापस नॉक डाउन कर दिया और फिर मैं रिंगता फिर रहा हूँ। फ्रेंड्स, फोर्थ मैच में फिफ्थ टाइम ऐसा हो रहा है और यहाँ पर स्कीजो का काफ़ी अच्छा क्लच, उसने हमारे बाकी सारे टीममेट्स को नॉक कर दिया था। जस्ट मैं और युगा नमस बचे हुए थे एंड मैंने यहाँ पर क्विकली स्कीजो का कंप्लीट कर दिया और स्कोर्स हो चुके 3-1 और हम लोग ये क्लैन वॉर जीत चुके हैं। बट फिर भी हम लोग लास्ट गेम खेलेंगे एंड लास्ट गेम में क्लच आप लोग देखना, मेरा जो 1v3 का क्लच था काफ़ी ओपी क्लच था। मतलब तो हम लोगों ने इस बारी मिडिल बिल्डिंग नहीं लिया था, हम लोग साइड में उतर गए थे और हमने उन्हें स्पॉट कर लिया था कि वो लोग सारे के सारे मिडिल बिल्डिंग में हैं। तो अब हम लोग रोटेट करके मिडिल बिल्डिंग पे
तो गाइज मेरे को यहाँ पे अमन मूव करता हुआ दिखा था, तो मैंने उसे क्विकली नॉक किया। अब नूब और टॉर्पीडो दोनों मेरे पे रश कर चुके थे, तो मैंने दोनों को नॉक कर दिया और मैं यहाँ पे क्विकली अब हेल्थ फुल करने के लिए जा ही रहा था कि मेरे को स्किजो ने पीछे से अटैक किया और यूगो ने मैं उसे फिनिश कर दिया। तो ये आई थिंक तीसरी बार है जो स्किजो ने मेरे को पीछे से अटैक किया था।